नमस्कार, आप देख रहे हैं पत्रिका मंच और मैं हूं आपके साथ आंचल। आज पत्रिका मंच में हम आपको मिलवा रहे हैं जयपुर डायबिटीज रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर अरविंद गुप्ता से, जो आज हमें डायबिटीज के बारे में जानकारी दे रहे हैं। उनसे बात की मेरी सहयोगी राखी ने, तो चलिए सीधा रुख करते हैं उनसे बातचीत की ओर। नमस्कार, आप देख रहे हैं पत्रिका टीवी और पत्रिका टीवी की खास प्रोग्राम पत्रिका मंच में आज आप सभी का स्वागत है। पत्रिका मंच में आज हम आपको एक ऐसी बीमारी के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जिससे देश में तकरीबन 6 करोड़ से अधिक लोग पीड़ित हैं और हर साल देश में 3.5 लाख से अधिक लोग इस बीमारी की वजह से मौत का शिकार हो रहे हैं। जी, हम बात कर रहे हैं डायबिटीज की। इस बीमारी से लोगों को जागरूक करवाने के लिए हर साल 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे भी मनाया जाता है। धीमी मौत कही जाने वाली इस बीमारी के बारे में और अधिक जानकारी देने के लिए आज पत्रिका स्टूडियो में हमारे साथ हैं जयपुर डायबिटीज रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर अरविंद गुप्ता जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पत्रिका में। धन्यवाद सर। ये बीमारी, हम डायबिटीज की बात करें, ये है क्या एग्जैक्टली, ये थोड़ा सा बताइए। डायबिटीज या मधुमेह क्या होती है? यदि हम हिंदी में इसको हमारे अनुवाद करें तो मधु यानी मीठा और मेह यानी पेशाब। जी। यदि किसी का मीठा पेशाब या पेशाब में शुगर आ रही है उसको मधुमेह बोलते हैं। जी। लेकिन डायबिटीज होती क्या है? ये बीमारी जो होती है, ये जैसे जो भी हम खाना खाते हैं वो खाना हमारे आमाशय में जाता है, हमारी आंतों में जाता है और वो 3 अवयवों में कन्वर्ट हो जाता है। एक होता है प्रोटीन्स, एक होता है कार्बोहाइड्रेट्स और एक होता है फैट्स। प्रोटीन्स होते हैं वो अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो हमारे शरीर की टिश्यूज को बनाने के लिए काम आता है। दूसरा अवयव होता है फैट्स, वो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है और वो हमारे शरीर में रिजर्व फूड में काम आ जाता है और वो फैट के रूप में डिपॉजिट हो जाता है और कुछ एंजाइम्स बनाने में काम आ जाता है। लेकिन जो हमारा शरीर जो चल रहा है, जो कैलोरीज मिलती हैं, जो एनर्जी मिलती है, वो मिलती है कार्बोहाइड्रेट से और जो भी हम खाना खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट में जो कन्वर्ट होता है वो अल्टीमेटली ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। जी। और ये ग्लूकोज एनर्जी देता है लेकिन ग्लूकोज डायरेक्ट एनर्जी नहीं दे सकता है हमारे टिश्यूज को और कोशिकाओं को। ये ग्लूकोज के लिए हमारे शरीर में एक पेनक्रियास नामक ग्रंथि होती है जो आमाशय के नीचे की तरफ होती है और ये पेनक्रियास में कुछ बीटा सेल्स होती हैं जो इंसुलिन बनाती हैं। ये इंसुलिन हमारे शरीर में ब्लड में चला जाता है और जब ग्लूकोज इस इंसुलिन के साथ मिलता है तब वो टिश्यूज या सेल्स में जाके एनर्जी में कन्वर्ट होता है। डायबिटीज की बीमारी में क्या होता है कि हम पूरा खाना खाते हैं, ग्लूकोज भी कन्वर्ट हो जाता है लेकिन उसके शरीर में इंसुलिन की कमी होती है, यानी उसका पेनक्रियास पूरी तरह से काम नहीं करता है। तो वो जो इंसुलिन जब कम हो जाएगा तो वो ग्लूकोज हमारे शरीर में ब्लड में वो वैसे के वैसे ही रह जाएगा और वो पेशाब के द्वारा बाहर निकल जाता है। ये बीमारी को डायबिटीज या मधुमेह की बीमारी बोलते हैं। सर, अगर आम आदमी की बात करें तो पहचान किस तरह से की जा सकती है डायबिटीज के जो सिम्टम्स है वो क्या है? अभी सबसे पहले आपने ये बताया कि ये साइलेंट बीमारी है, ज्यादातर लक्षण नहीं आते हैं जी। लेकिन इसके जो लक्षण होते हैं बहुत साधारण लक्षण होते हैं, जैसे आदमी को थकान होना। अब कई बार आदमी समझता है कि पूरे दिन ज्यादा काम किया तो आज थकान हो गई, लेकिन कई बार ये थकान ही उसका डायबिटीज का एक सबसे बड़ा लक्षण होता है। दूसरा, उसको कई बार बहुत ज्यादा पेशाब आती है बार बार, स्पेशली यदि किसी व्यक्ति को बार बार रात को पेशाब आ रही है और उसको कोई जलन वगैरह नहीं है तो ये भी एक डायबिटीज का सिम्टम है। इसके अलावा यदि उसको बार बार बहुत तेज भूख लग रही है और खाना भी वो ज्यादा खा रहा है लेकिन उसके बावजूद यदि उसका वजन कम हो गया सडनली, कई बार परिवार के व्यक्ति कहते हैं कि आप तो बहुत पतले हो गए, एकदम से वजन कम हो गया, ये भी एक उसका साधारण लक्षण है। या कई बार उसके कोई फोड़े फुंसे हो जाते हैं तो उसके लिए वो इलाज कराता है, उसके ठीक नहीं होते। कोई इन्फेक्शन हो गया है यूरिन में, वो ठीक नहीं हो रहा है, तो ये भी ये साधारण लक्षण होते हैं। तो जब ये सारे साधारण लक्षण होते हैं तो हमें उसके लिए अपने चिकित्सक के पास जाके सबसे पहले अपने ब्लड शुगर की जांच करानी चाहिए कि कहीं ये डायबिटीज के लक्षण तो नहीं है। सर, ट्रीटमेंट इसका जो है वो कितना लंबा चलता है, कितना टाइम अगर किसी को डायबिटीज हो गया है तो क्या वो ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता? देखिए, पहले तो आपके बात का थोड़ा सा मैं इनडायरेक्ट आंसर दूंगा। जी। उसका कारण ये है कि डायबिटीज जो होती है उससे पहले जैसे हम लोग देखते हैं कि प्री डायबिटीज पहले हमें पहचाननी चाहिए। जी। डायबिटीज जो होती है पहले ब्लड शुगर की जांच होती है और पहले ये बता दूं कि बहुत साधारण जांच होती है,
आजकल एक छोटी सी मशीन आती है, इसको ग्लूकोमीटर बोलते हैं जी। और उससे एक मिनट से भी कम समय में ब्लड शुगर की जांच कर सकता है आदमी। तो उसकी ब्लड शुगर की जो जांच की मात्रा होती है खाली पेट होनी चाहिए उसकी 126 से नीचे जी। उसको नॉर्मल बोलते हैं या प्री डायबिटीज बोलते हैं। और 200 मिलीग्राम परसेंट से ज्यादा होती है खाना खाने के बाद या 75 ग्राम ग्लूकोज देने के बाद तो उसको डायबिटीज होती है। लेकिन यदि उसकी व्यक्ति की 100 से कम है खाली पेट और 140 मिलीग्राम परसेंट से कम है खाना खाने के 2 घंटे बाद में तो व्यक्ति पूरा नॉर्मल है, उसको डायबिटीज नहीं है। एक स्थिति होती है प्री डायबिटीज जिसमें खाली पेट 100 से लेके 125 मिलीग्राम तक और खाना खाने के 2 घंटे बाद या 75 ग्राम ग्लूकोज लेने के 2 घंटे बाद यदि उसकी आती है 140 से 199 मिलीग्राम परसेंट तो इसको प्री डायबिटीज बोलते हैं। तो हमारा जो सारा जो फोकस है वो होना चाहिए प्री डायबिटीज पे, यानी जो व्यक्ति को डायबिटीज नहीं है लेकिन उसको होने की पूरी संभावना है उसको प्री डायबिटीज बोलते हैं। और ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए पहले तो ये ज्यादा जानना जरूरी है। सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट काम है कि हमारे व्यक्ति को लाइफ स्टाइल जीवन शैली आदमी को आज के जमाने में ठीक करनी है। और जीवन शैली का मतलब ये होता है कि उसको अपनी जीवन की जो पद्धति है पूरे दिन का जो काम है वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि उसके ऊपर ज्यादा फिजिकली भी और मेंटली भी स्ट्रेस नहीं पड़े। तो इसके लिए उसको एक मैं जनरल बात बता देता हूं कि सुबह उठना है उसको जल्दी और उसको घूमना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वॉकिंग। यदि उसको 30 से 45 मिनट वॉक कर लेता है, ब्रिस्क वॉक कहते हैं, ये लेजर वॉक अच्छा नहीं होता जिसके अंदर साधारण चल रहे हैं, थोड़ा तेज चलना पड़ेगा ताकि वो कैलोरीज बर्न करे, ये सबसे अच्छी एक्सरसाइज है दुनिया में। और इससे अभी नया स्टडीज से ये मालूम चला है कि जो व्यक्ति 30 से 45 मिनट तक एक्सरसाइज करता है और जो व्यक्ति जीवन शैली को अच्छी तरह करता है 30-40% तक उसको डायबिटीज और हार्ट डिजीज और ब्लड प्रेशर से बच सकता है। एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो एक तो सुबह का घूमना हो गया, फिर ब्रेकफास्ट करना। खाने के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जो सुबह का नाश्ता, नाश्ता हमारे शरीर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। जो व्यक्ति नाश्ता स्किप करते हैं उनको ज्यादा बीमारियां होने के चांसेस हैं। तो हमारे शरीर की पूरे दिन भर की जो कैलोरीज हैं उसका 1/3 हिस्सा हमें सिर्फ ब्रेकफास्ट से या नाश्ते से मिलना चाहिए जी। और जो व्यक्ति नाश्ता कर लेते हैं, अच्छा नाश्ता करते हैं, वो पूरे दिन भर तरोताजा रहते हैं क्योंकि उनकी जो कैलोरीज होती हैं वो सुबह इतनी मिल जाती हैं कि वो व्यक्ति कुछ भी दिन में काम कर सकता है, कभी उसको आलस नहीं आएगा, कभी उसको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। तो सुबह का नाश्ता ले लिया, फिर वो दोपहर का खाना अपना स्किप नहीं करें, दोपहर का खाना चाहे थोड़ा सा खाए लेकिन खाना जरूरी है। फिर शाम को कुछ भी वो स्नैक्स ले सकता है, बिस्किट्स ले सकता है या एक फल। ये भी एक अभी नए शोध हुए हैं जिसमें ये मालूम चलता है कि जो व्यक्ति एक फल रोज खाता है उसको हार्ट की डिजीज और डायबिटीज की बीमारियां 30-40% तक कम हो जाती है। यानी जो ब्रेकफास्ट लेता है, जो फल खाता है और जो 30 से 45 मिनट घूमता है, इनको डायबिटीज या ब्लड प्रेशर या हार्ट डिजीज होने की बहुत कम संभावनाएं होती हैं। इसके अलावा जो हमारे साधारण खाने में हरी सब्जियां होनी चाहिए, सैलेड बहुत जरूरी है जिसमें खीरा, ककड़ी, मूली, गाजर, प्याज, टमाटर, पत्ता गोभी कुछ भी खा सकता है जो अवेलेबल है। ये सलाद दोनों टाइम खानी है, दोपहर के खाने के साथ और रात के खाने के साथ। इसके अलावा खाने में जो तेल होता है वो हमारे शरीर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और जो तेल होता है वो सबसे अच्छा तेल होता है सरसों का तेल और दूसरा होता है सोयाबीन का तेल जिसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं और ये हमारे शरीर को बहुत फायदा करता है जी। कुछ शोध ऐसे बताते हैं कि जो अन्य तेल हैं वो ज्यादा अच्छे नहीं है या हमें कई बार उसको ब्लेंड करना पड़ता है। यानी आप पुराने जमाने में कुछ चीज सरसों के तेल में बनती थी, कुछ चीज दूसरे के तेल में बनती थी, तो कभी भी एक जैसा तेल नहीं रख के उसको बदलते रहते हैं तो कभी नुकसान नहीं करेगा। तो फाइबर्स हो जाएंगे, फल हो जाएगा, सलाद हो जाएगा और एक चीज जो बहुत अच्छी है वो होती है दाना मेथी जी। यदि कोई व्यक्ति 1 कप पानी में 1 चम्मच दाना मेथी 5 ग्राम रात को भिगो के सुबह उठ के वो पानी पिएगा और वो भीगी हुई दाना मेथी नाश्ते के साथ चबा के खाता है तो ये डायबिटीज को,
और अपने पेट की बीमारियों को रूमेटॉइड आर्थराइटिस में सब में काम करती है। तो एक साधारण व्यक्ति का जो मैंने बताया कि 3 या 4 बार खाना खाना और अपनी एक्सरसाइज करना और घूमना, इसके अलावा यदि वो कर सकता है तो कुछ अच्छे योगा के आसन हैं जी। जो योग आसन है ये भी उसको हॉर्मोन्स की बीमारियों को ठीक करने में सहायता करता है। तो एक ये साधारण चीज बताइए जिससे आदमी डायबिटीज होने से बच सकता है, यानी प्री डायबिटीज वाला यदि आदमी ये करेगा या नॉर्मल व्यक्ति भी करेगा तो उसको होने की संभावनाएं कम रहेंगी। फिर होता है, आपने पूछा कि इसका इलाज। हाँ जी, इलाज इसका जो होता है, यदि आपके शरीर में किसी हार्मोन की कमी है जैसे इंसुलिन की कमी है तो वो पूरी हो नहीं सकती, वो इंसुलिन पूरा बनेगा नहीं, तो इसके लिए कुछ दवाइयां आती हैं। और यदि आपका चिकित्सक आपसे कहता है तो ज्यादातर ये देखा गया है कि दवाइयां पूरे हमेशा लेनी चाहिए, दवाई की मात्रा कभी फिक्स नहीं होती है डायबिटीज में जी। ये आपकी ब्लड शुगर पर डिपेंड करता है, तो जो दवाइयां यदि चिकित्सक ने बताई हैं तो आप नियमित रूप से उसका सेवन करिए। कई बार ऐसा होता है कि ब्लड शुगर उसकी ठीक हो गई तो व्यक्ति समझता है कि मेरी तो अब शुगर ठीक हो गई, अब मुझे कोई तकलीफ नहीं है और वो दवाइयां तुरंत बंद कर देता है। मैं सबसे यही कहना चाहता हूं कि इस तरह की दवाइयां बंद नहीं करें, दवाइयां नियमित रूप से लेते रहें, उसकी मात्रा जरूर कम कर दें लेकिन बंद नहीं करें। आजकल इतनी अच्छी अच्छी दवाइयां आ गई हैं जिससे शुगर बिल्कुल कंट्रोल हो जाती है और कुछ पैनक्रियाज की बीटा सेल पे जोर भी कम पड़ता है जी। तो ऐसी दवाइयां हैं। इसके बावजूद भी यदि कई बार ऐसा होता है कि यदि व्यक्ति को टाइप 2 डायबिटीज व्यक्ति को यदि इसके बावजूद फायदा नहीं होता है तो फिर हमें इंसुलिन देना पड़ता है। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, जो व्यक्ति इंसुलिन लेता है, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं दुनिया में, जैसे वसीम अकरम का एग्जाम्पल है जो बचपन से इंसुलिन आज तक ले रहा है और वो फास्टेस्ट बॉलर ऑफ द वर्ल्ड बन गया है। तो इंसुलिन कोई खराब चीज नहीं है, इंसुलिन वही है जो हमारे शरीर में नहीं है और हम बाहर से उसको ले रहे हैं। पहले जमाने में इंसुलिन लेने के लिए तकलीफ होती थी क्योंकि इंजेक्शन इस तरह के आते थे। आजकल जो इंजेक्शन आते हैं 32 नंबर की नीडल्स आती हैं, आप सोच भी नहीं सकते कि इतनी महीन और बारीक नीडल्स होती हैं कि कई बार आदमी को अच्छी तरह दिखती भी नहीं है। इतनी अच्छी नीडल्स हैं, बिल्कुल दर्द रहित हैं, तो इसलिए चिंता नहीं है। उसके बावजूद भी आजकल ऐसे पेंस आ गए हैं, ऑटोमेटिक पेंस हैं जिसके अंदर हम लोग उसको डायल करते हैं डोज और पेट के अंदर नीचे की तरफ लगा देते हैं, बिल्कुल दर्द नहीं होता है। हमारे छोटे छोटे बच्चे 5 से 6 साल के बच्चे अपने आप लगाते हैं और खुशी से लगाते हैं, कोई दर्द नहीं होता है और आदमी पूरी जिंदगी भर आराम से उसको इंसुलिन को ले सकता है। तो चिकित्सक के कहे अनुसार आपको इंसुलिन की मात्रा निर्धारित करनी है और बराबर लेनी है। और इंसुलिन ऐसी चीज है जो शरीर में नेचुरल रूप से होती है और वो हम ऊपर से लेते हैं, कभी नुकसान नहीं करेगी। दवाइयां फिर भी नुकसान कर सकती है लेकिन इंसुलिन बहुत कम नुकसान करती है और करती ही नहीं है यदि आप प्रॉपर तरीके से चिकित्सक के अनुसार ले रहे हैं। और आजकल इसके अलावा भी ऐसे ऐसे इंसुलिन पंप्स आ गए हैं, ऑटोमेटिक हैं, वो हम अभी देते हैं, छोटी सी मशीन होती है उसमें इंसुलिन होता है, हम उसको एक कैनुला से यहाँ पे लगा देते हैं और ऑटोमेटिक कंप्यूटर से हम उसको फीड कर देते हैं और बराबर उसको इंसुलिन मिल जाता है बिना इंजेक्शन के। तो ये भी अवेलेबल है, इसलिए आपको किसी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है। इंसुलिन यदि चिकित्सक कहता है तो लेना बहुत जरूरी है। अब समय एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी डायबिटीज पर डॉक्टर अरविंद गुप्ता से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए पत्रिका टीवी के साथ। ब्रेक के बाद हम आपको फिर से लेकर चलते हैं डॉक्टर अरविंद गुप्ता से बातचीत की ओर। सर, ये कहा जाता है कि बीमारी महिलाओं की तुलना में पुरुषों को अधिक होती है, लेकिन अब तो ये देखने में आ रहा है कि लेडीज भी इसकी गिरफ्त में आती जा रही, इसके पीछे रीजन जो है वो क्या है? देखिए, ये बिल्कुल सही नहीं है कि पुरुषों में ज्यादा होती है या महिलाओं में कम होती है, बल्कि अभी जो आप जिस संदर्भ में आज हम लोग बात कर रहे हैं, वर्ल्ड डायबिटीज डे जो 14 नवंबर को आ रहा है, इसको पूरे देश में जो मना रहे हैं और पूरे वर्ल्ड में जो मना रहे हैं, इस पे इस बार जो थीम रखी है वो रखी है इंटरनेशनल वीमेंस हेल्थ एंड डायबिटीज। जी बिल्कुल सर, यानी जो हमारे देश की जो महिलाएं हैं जो इतनी सशक्त हैं, जो पूरे हमारे परिवार का काम करती हैं, जो बाहर का भी काम करती हैं, और ऐसी महिलाएं
को सबसे ज्यादा नेग्लेक्टेड रहती हैं हमारे देश में। इस बार जो हम फोकस कर रहे हैं अपना वर्ल्ड डायबिटीज डे पे, वो हम महिलाओं के ऊपर ही कर रहे हैं कि महिलाओं को अपने स्वास्थ्य की जरूर जांच करनी चाहिए। सर, डायबिटीज अगर किसी को है तो क्या उसको हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, ऐसा कुछ? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है कि डायबिटीज को मान लो हम लोग इलाज नहीं करें तो क्या होगा, और वही चीज आपने पूछी है कि यदि डायबिटीज अनियंत्रित है, यदि कंट्रोल में नहीं है, तो उसके क्या क्या नुकसान या दुष्परिणाम हो सकते हैं। ये दो तरह से नुकसान कर सकती है डायबिटीज। एक तो होती है माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस, यानी उसकी छोटी जो नसें हैं वो तकलीफ में आ सकती हैं, तो उनकी जो नसें बोलते हैं उनको आर्टरीज, तो ये तकलीफ हो सकती है, या तो उनको आंख की तकलीफ हो सकती है, उसको रेटिनोपैथी बोलते हैं, जिसमें आदमी अंधा हो सकता है, तो उसकी रोशनी कम हो जाती है डायबिटिक रेटिनोपैथी में। अंधापन का जो सबसे बड़ा कारण है आज विश्व में, ये डायबिटीज सबसे बड़ा कारण है डायबिटीज से अंधापन होने का। उसके अलावा किडनी जो होती है, गुर्दे में उसकी तकलीफ हो सकती है, उसे डायबिटिक नेफ्रोपैथी बोलते हैं, यानी यदि पेशाब में उसका प्रोटीन आने लगे डायबिटीज के व्यक्ति को, तो ये बहुत अर्लीस्ट साइन है कि उसको डायबिटिक नेफ्रोपैथी या डायबिटिक किडनी डिजीज हो गई है, इसके लिए तुरंत अपने चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। तीसरी होती है न्यूरोपैथी, यानी जो पैरों की नसें होती हैं, नर्व्स होती हैं, वो इन्वॉल्व हो जाती हैं, और उसमें आदमी को बहुत ज्यादा दर्द होता है, उसको टिंगलिंग नमनेस सेंसेशंस होते हैं, और बहुत तकलीफ देह बीमारी है ये न्यूरोपैथी। ये कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। लेकिन एक होते हैं मैक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन, यानी जो बड़ी आर्टरीज होती हैं वो इफेक्ट होती हैं, और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जैसे आपने कहा कि उसको हार्ट अटैक ज्यादा हो सकता है, उसको ब्लड प्रेशर ज्यादा हो सकता है, उसको एंजाइना इस्केमिक हार्ट डिजीज ज्यादा हो सकती है। यानी ऐसे व्यक्ति जिनको डायबिटीज नहीं है उनको कम होने की संभावना होती है हार्ट डिजीज वनस्पत की, यदि जिसको डायबिटीज है, यानी 20-30% जो होती है वो ज्यादा होती है हार्ट अटैक डायबिटीज की वजह से। इसके अलावा पेरिफेरल आर्टरी डिजीज होती है, यानी ये जो सर्कुलेशन होता है, जो खून का दौरा होता है पैरों की तरफ कम हो जाता है, और उससे कई बार गैंग्रीन हो जाती है, कालापन आने लगता है, तो ऐसे डायबिटीज के व्यक्ति को हम सलाह देते हैं कि अपने पैर का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। यदि उसके कालापन आ रहा है, यदि उसका सुन्नापन हो रहा है, तो अपने चिकित्सक को दिखाकर उसका तुरंत इलाज कराए। सर, मोतियाबिंद के केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं, क्या मोतियाबिंद के बढ़ने की वजह भी हम डायबिटीज को मान सकते हैं? डायबिटीज के अंदर मोतियाबिंद का जो डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन कई बार प्री मैच्योर कैटरेक्ट बोलते हैं, यानी नॉर्मल व्यक्ति को जो कैटरेक्ट या मोतियाबिंद होता है वो थोड़ा लेट होता है, लेकिन डायबिटीज के व्यक्ति को थोड़ा जल्दी होता है, लेकिन कैटरेक्ट का डायरेक्ट रिलेशन डायबिटीज से नहीं होता है, लेकिन इसको प्री मैच्योर कैटरेक्ट बोलते हैं, और ये ज्यादा हो सकता है डायबिटीज के व्यक्तियों को। किस एज में डायबिटीज की बीमारी ज्यादा होती है सर? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, और इसी के ऊपर हम लोग अभी कुछ शोध भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई भी एज नहीं है जिसमें डायबिटीज नहीं होती है। इवन हमारे पास में पूरे वर्ल्ड में रिकॉर्ड है कि इवन 1 से 2 महीने के बच्चे को भी डायबिटीज हो सकती है, कॉमनली 6 महीने वाले बच्चे को भी डायबिटीज हो सकती है, और 90 और 95 ईयर्स एज में भी डायबिटीज हो सकती है। तो ऐसा कोई आयु नहीं है जिससे हम ये कह सके कि इस एज में ज्यादा होती है, लेकिन हाँ कई बार ऐसा होता है हाई रिस्क पर्सन्स होते हैं, जैसे फैमिली में आपके परिवार में किसी को डायबिटीज है, या जैसे मैंने बताया कि आपको बहुत सेडेंटरी हैबिट्स हैं, आप खाने में परहेज नहीं रख रहे हैं बहुत ज्यादा, तो ऐसे व्यक्ति को ये एक्युमुलेशन होता रहता है, इसको हम डायबिटिक फिनोटाइप बोलते हैं, यानी एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स होते हैं, जो वातावरण के फैक्टर्स होते हैं, ये धीरे धीरे एक्युमुलेट होके 20 से 30 साल में, पहले होती थी 40 साल बाद में टाइप 2 डायबिटीज, आज हम देख रहे हैं 20 से 30 साल के भी लड़कों को और लड़कियों को डायबिटीज हो रही है, और इसके कारण मैंने आपको बता दिए हैं कि मानसिक तनाव से लेके सेडेंटरी हैबिट्स, जो पूरे टाइम ज्यादा देर बैठ के उनको कंप्यूटर पे काम करना, टीवी देखना, इंडोर गेम्स देखना, मोबाइल पे हर समय लगे रहना, सबसे ज्यादा अभी खतरनाक चीज ये हो रही है, उनके ब्रेन का डेवलपमेंट कम हो रहा है जो व्यक्ति पूरे टाइम मोबाइल को लेके देख रहा है,
तो इन चीजों से थोड़ा सा मोह छोड़िए, थोड़ा आउटडोर जाइए और थोड़ा बाहर खेलिए, थोड़ा सा स्वस्थ वातावरण में रहिए, तब जाके आपको ये जो जिसको हम बोलते हैं जीवन शैली की बीमारियां, हाँ, इससे ठीक होना है तो हमें ये सब चीजें छोड़नी पड़ेगी, जिसमें इंडोर रहना, इंडोर ज्यादा अच्छा नहीं होता शरीर के लिए। एक चीज और मैं जानना चाह रही थी कि आमतौर पर कहा जाता है घरों में मीठा ज्यादा मत खाओ, डायबिटीज हो जाएगी, इस बात में कितनी सच्चाई? क्योंकि बहुत लोगों तो ऐसे जो बहुत मीठा खा रहे हैं फिर भी उनको इस तरह का कुछ नहीं होता, कुछ लोग जो बिल्कुल नहीं खा रहे फिर भी वो डायबिटीज की चपेट में आ जाता है, तो ये थोड़ा बताना आप। ये बहुत ज्यादा कॉमन मिथ है कि मीठा खाने से बीमारियां होती है या मीठा खाने से डायबिटीज होती है। मैं सबको ये कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है, ये हमारे जेनेटिक और हमारे पेनक्रियाज की बीटा सेल्स पे डिपेंड करता है कि आपकी बीटा सेल कितना मीठे को सहन कर सकती है या हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कितनी तेज हैं। ऐसे व्यक्ति जो मीठा खा सकते हैं वो पचा सकते हैं, जो लोग बराबर घूमते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जो सेडेंटरी नहीं है, वो व्यक्ति मीठा खा लेंगे तो उनका बहुत जल्दी पच जाएगा, उनका इंसुलिन बराबर मिलता है, इसलिए कोई चिंता नहीं है। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो पूरा टाइम मीठा खाएंगे, बैठे रहेंगे, कोई वर्क नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, कैलोरीज बर्न नहीं करेंगे, उनको ये होने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। तो डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि मीठा खाने से उसको शुगर हुई है, लेकिन मीठा खाने के बाद यदि वो उसको पूरी तरह से पचा नहीं पा रहा है तो उसको डायबिटीज होने की संभावनाएं ज्यादा होती है। अब समय एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी डायबिटीज पर डॉक्टर अरविंद गुप्ता से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए पत्रिका टीवी के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर गुप्ता से, तो बिना समय गंवाए लेकर चलते हैं उनसे बातचीत की ओर। अगर सर किसी को डायबिटीज हो चुकी है तो उसको किस तरह का अपना खाने पीने का खास तौर पे जो है वो ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में आप बताएं थोड़ा। एक अभी जैसे मैंने बताया उसको, एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है उसको एक पूरा जीवन का जो पूरा दिन का जो शेड्यूल है उसको अपना फिक्स करना चाहिए। सबसे पहले इम्पोर्टेंट है वो अपना शरीर का जो वजन है वो ले, और BMI बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स, यानी उसका वेट और हाइट का क्या रेशियो है, वो रेशियो हम BMI या बॉडी मास इंडेक्स से देखते हैं, वो उसको पहले लेना है। और दूसरा वेस्ट और हिप रेशियो, यानी जो हमारा कमर का नाप है, यदि किसी का 40 इंच से ज्यादा का नाप है तो वो अच्छा नहीं होता, वो हार्ट डिजीज और डायबिटीज के लिए ठीक नहीं है। तो हमारे शरीर का नाप लेना है, उसके हिसाब से हम उसकी कैलोरीज निर्धारित करते हैं। कैलोरीज का मतलब ये होता है कि हम 25 से 30 कैलोरी एक वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन आवश्यकता होती है प्रति किलो, यानी 25 किलो कैलोरीज पर किलोग्राम बॉडी वेट पर डे, इसकी यदि हम निकालें तो प्रतिदिन उसका जो कैलोरीज का कंजप्शन है 1500 से 1600 कैलोरी काम करती है एक वयस्क व्यक्ति के लिए। लेकिन यदि व्यक्ति थोड़ा सा मोटा है तो उसको हम थोड़ी कैलोरी कम देंगे, और व्यक्ति थोड़ा पतला है तो हम उसकी कैलोरी 2000 कैलोरी तक भी दे सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है, वो एक जो डाइटिशियन है वो तय करती हैं, या न्यूट्रिशन काउंसलर्स होते हैं वो तय करते हैं कि BMI और वेस्ट हिप रेशियो के हिसाब से उसको कितनी कैलोरीज देनी है। कैलोरी निर्धारित करने के बाद में हमें अपने नाश्ते में 1/3 कैलोरीज उसकी हम देते हैं नाश्ते में जी। फिर हम दोपहर को 12, 12:30 या 1 बजे हम लंच लेना चाहिए, फिर शाम को 4, 4:30 बजे उसको कोई भी स्नैक्स लेना चाहिए फल के साथ में, और रात को 8, 8:30 बजे या मैक्सिमम 9 बजे तक उसको डिनर कर लेना चाहिए। सर ये तो डायबिटीज की बात हुई, अब मैं थोड़ा सा आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में हम जानना चाहेंगे, आपकी एजुकेशन वगैरह जो है वो कहाँ से हुई है, कहाँ के आपसे बिलोंग करते हैं, ये थोड़ा सा बताएं। मेरी सारी शुरू से लेके और MD मेडिसिन तक जी सारी मेरी जो पढ़ाई हुई है वो जोधपुर में हुई है जी। जोधपुर में मैं सरदार हायर सेकेंडरी स्कूल से मैंने 10th क्लास पास की थी, उसके बाद 11th क्लास तक वहीं सरदार स्कूल में पढ़ा हूँ, और उसके बाद फिर प्री मेडिकल टेस्ट दिया था जी। और फॉर्चुनेटली मैं अपने रीजन में फर्स्ट था प्री मेडिकल टेस्ट में, और उसके बाद जोधपुर मेडिकल कॉलेज डॉक्टर SN मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई की जी। MBBS भी वहीं से किया, और फिर मैंने डॉक्टर के बैनर्जी हमारे जो गाइड थे और प्रोफेसर एंड हेड थे मेडिसिन के, उनके अंडर में मैंने MD मेडिसिन की पढ़ाई की थी। पढ़ाई करने के बाद फिर मैं सरकारी नौकरी में भी आया हाँ। और फिर मैंने फेलोशिप की थी बॉम्बे में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज
जगह है, राहेजा हॉस्पिटल, वहाँ से मैंने अपनी क्लिनिकल फेलोशिप की थी। फिर मैं थोड़े टाइम के लिए ग्लासगो चला गया था इंग्लैंड, वहाँ पे मैंने अपनी क्लिनिकल ट्रेनिंग की थी डायबिटीज़ की। और फिर मैं लौट के आया अपने राजस्थान में, सरकारी नौकरी की मैंने करीब 18 साल सरकारी नौकरी की है। okay. और उसके बाद अब मेरा जो सारा एम है वो है रिसर्च के लिए, एकेडमिक्स के लिए। हमें अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करना है और उसके लिए हमने अपना एम बनाया हुआ है। और मैं अपने यहाँ कुछ ऐसे रिसर्च प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं जिसमें हम लोग प्री डायबिटीज के ऊपर कर रहे हैं, इसको हम इंडियन प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज स्टडी बोलते हैं। फैमिली को क्रेडिट कैसे दे पाते हैं? सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि फैमिली बहुत जरूरी है परिवार के। मेरी जो धर्म पत्नी है शी इज ऑल्सो बायोकेमिस्ट, और वो पूरे टाइम मेरे साथ रहती है, यानी मेरे सारे प्रोजेक्ट और रिसर्च का जितना काम है, मैं बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूँ कि मेरा 90% काम मेरी धर्मपत्नी नीलम गुप्ता वो करती है। और वो इतना काम करती है कि वो कई बार ऐसा लगता है कि मुझे कुछ ज्यादा करना नहीं पड़ रहा है। तो एक तो वो मेरे साथ में रहती है, तो एक झगड़े वाली तो झंझट खत्म हो गई, झगड़ा तो होना ही नहीं आपस में टाइम दे रहे जी। दूसरा, मेरे दो बच्चियां हैं, दो डॉटर्स हैं। बड़ी वाली डॉटर्स डॉक्टर है, डेंटल सर्जन है, और वो अभी अमेरिका में है, लॉस एंजलिस में। मेरी छोटी बेटी को मैं बताना चाहूंगा, परिधि गुप्ता, जो अभी हैदराबाद में है, और वो अभी गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना का एक नया डिपार्टमेंट शुरू हुआ है रिच के नाम से, वो उसमें बायो टेक्नोलॉजी का जो पूरा डिपार्टमेंट है वो देख रही है। एंड शी इज नाउ रेस्पॉन्सिबल फॉर इंटर कॉन्टिनेंटल, और हमारे जो इंटरनेशनल बायो टेक्नोलॉजी का जो ट्रांसफर है टेक्नोलॉजी का वो देख रही है, तो शी इज हेड देयर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी, आप पत्रिका स्टूडियो आए इसके लिए भी। थैंक यू, धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अरविंद गुप्ता, जिन्होंने हमें बताया कि डायबिटीज के बारे में जानना, इतनी सारी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। और उम्मीद करते हैं दर्शकों से कि उन्होंने जो सर ने जो जानकारी दी है उसको ध्यान में रखते हुए अपने आप को डायबिटीज से सेव कर सकेंगे। पत्रिका टीवी में फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे इसी नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। आज पत्रिका मंच में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए पत्रिका टीवी के साथ, नमस्कार।